एक ऐसे अनाज के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसे मसाले के बारे में बात करने वाली हूँ जो भारतीय घर में, हर घर में अवेलेबल होता है, हर घर में मिलता है, और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्यों इसको आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। और वो स्पाइस है, वो मसाला है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। बहुत लोगों को आपने दालचीनी का पाउडर लेते हुए देखा होगा, या फिर हर घर में दालचीनी छौके लगाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होता है। मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, और साथ में ये भी बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में कि आपको दालचीनी कैसे लेनी चाहिए और किस एस्पेक्ट्स में आप इसको किस तरीके से ले सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, दालचीनी जो होती है ना, वो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और बॉडी की इन्फ्लेमेशन को दूर करने में काफ़ी मददगार है। देखिए, रोज़ भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हम ऐसे बहुत सी चीज़ों के बीच घिरे हुए हैं जो हाई रेडिएशन है, इससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनता है, और ये फ्री रेडिकल्स जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो सिनेमन में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये वो फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में हमें मदद करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कैंसर रिस्क को प्रिवेंट करता है। इसमें पॉलीफिनॉल नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इन फ्री रेडिकल्स से और बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडीज ये बताती है कि अगर आप सिनेमन को एज अ सप्लीमेंट लेते हो तो ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ाता है, ये आपके बॉडी के वाइट सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, जो बहुत सारी इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स या डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। और यही जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में एज अ नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है। दालचीनी के रोज़ाना इस्तेमाल से आप ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखोगे, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली इंसुलिन जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है, इसको मैनेज करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है। दालचीनी में एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बहुत सारे डिजीज से हमें फाइट करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ ये मुँह में होने वाले बैड बैक्टीरियाज को मारने में मदद करता है, जिससे जो मुँह में स्मेल पैदा होती है ना, बैड ऑडर पैदा होता है, या फिर कैविटी पैदा होती है, उससे भी फाइट करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, और ब्रेन फंक्शन में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो इसीलिए और कुछ ना सही, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, अपने आप को, अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फ्री रेडिकल से अपने आप को बचाने के लिए, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स को अपनी बॉडी में स्टोर करने के लिए, आप आज से ही दालचीनी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। ये खाने में एक अरोमा को पैदा करता ही है, एक सेंट को पैदा करता ही है, साथ साथ ये आपके हेल्थ में भी अपना बहुत अच्छा असर छोड़ता है। सो स्टार्ट यूज दिस फ्रॉम टुडे। Thank you so much for watching my video. Keep watching and keep healthy. Bye-bye.